मुहर्रम को लेकर मिट रही आपसी दूरियों के बीच मिसाल पेश कर रहा गोपालगंज जिले के बनकटा पंचायत का ढेबवा गांव, जहां के निवासी स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह के माताजी के द्वारा 1938 में स्थापित मुहर्रम का मेला आज भी यह सिद्ध करता है कि श्रद्धा किसी मजहब की मोहताज नहीं होती। आपको बता दें कि इसका निर्वाण आज भी इनके परिवार के सदस्य और इनके दोनों बेटों दिवाकर सिंह और जगदम्बा सिंह तथा परिवार के सदस्य निखिल सिंह, सुधाकर सिंह, प्रभाकर सिंह द्वारा बखूबी निभाया जाता रहा है। आज भले ही बद्रीनाथ सिंह हम सबके बीच नहीं है, लेकिन इनकी कृतियां आज भी गांव जवार में सर चढ़कर बोलती हैं। इस परिवार के द्वारा पूर्व में भी अनेकों ऐतिहासिक कृतियां हैं, जिसका ताज़ा जीता जागता उदाहरण आज यह मुहर्रम का मेला बयां कर रहा है। आज इनके पोते सुधाकर सिंह, जो दिल्ली में कार्यरत हैं, अपने दादाजी के कृतियों का अनुसरण करते हुए आपन माटी टीम के द्वारा आपन माटी के बैनर तले साल में आपन माटी महोत्सव और शिक्षक सम्मान का भव्य आयोजन करवाया जाता है। बातचीत के क्रम में सुधाकर ने बताया कि समाज के हित और सामाजिक गतिविधियों से रूबरू होने की प्रेरणा इन्हें अपने दादा बद्रीनाथ सिंह जी से मिली हुई है। जहां एक तरफ राजनीतिक रंगों के बीच आपसी प्यार का दायरा मिटता जा रहा है, ऐसे माहौल में इस परिवार के द्वारा ढेबवा गांव में आयोजित किया जाने वाला मुहर्रम का मेला जो एक मिसाल आज भी कायम करता है, जहाँ हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के त्यौहार में शरीक होकर एकता का मिसाल देते हैं। इस बार इस परिवार के द्वारा आयोजित यहाँ के लिए 83वां मुहर्रम का मेला आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरे जोशकर्मी के साथ गांव जवार के हर तबके से लोग अपनी भूमिका निभाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से मोती साहब, आपी जी, सुरेंद्र बनवाल, अभिषेक मिश्रा, अर्जुन राय, रुंझुन तिवारी, आदित्य तिवारी, अर्जुन सिंह, विवेक राय, भुटुर सिंह, मंजूर मियाँ के साथ साथ इलाके के तमाम लोग जो सामाजिक सौहार्द को एकजुट रखना चाहते हैं, इन लोगों ने अपना बेहतर व सर्वस्व समर्पित किया था। अपने क्षेत्र की हर खबर से वाकिफ रहने के लिए पूर्वांचल समाचार के फेसबुक पेज को फॉलो करें तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।